टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में एक ऑडियो काफ़ी वायरल हो रही है। इस ऑडियो में कोरोना के संबंध में लोगों को उकसाने की कोशिश की गई है, यानी कि कोरोना पर गोरख धंधे का जिक्र किया गया है। और ऑडियो में मीरा भयंदर की विधायक गीता जैन की आवाज़ बताई गई, क्योंकि ये ऑडियो गीता जैन के फोटो के साथ वायरल हो रही थी। इस ऑडियो के वायरल होते ही लोगों में कोरोना को लेकर काफ़ी सोच में पड़ गए और कि क्या वाकई में ये सच है। वायरल ऑडियो से काफ़ी अफवाहें फैलने लगी और आखिरकार विधायक गीता जैन ने इस ऑडियो को फर्जी करार दिया और नौघर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल ये ऑडियो क्लिप फेक है और इसमें जो मैसेज है वो भी पूरी तरह से अफवाह है। और इस ऑडियो की पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सामने आया कि इस ऑडियो में रंजू झा नामक एक महिला की आवाज़ है और पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया और कोर्ट में भी पेश किया, जिसे कोर्ट ने जमानत दे दी, ऐसा पुलिस का कहना है। यानी कि विधायक गीता जैन के नाम से जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही थी वो पूरी तरह से फेक साबित हुआ। इस पूरे मामले में नौघर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI संपत राव पाटिल ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। अभी जो 7 रोग जो चल रहा है कोरोना कोविड जो विषाणु का, जो पूरा भारत भर महाराष्ट्र में जो 7 रोग जो फैल रहा है उसके बारे में इसी टाइम में जब 7 रोग चल रहे थे उस टाइम में कोई भी अफवाह पस फैलाना या कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने जो इश्यू किया है, जो उसके खिलाफ जो भी कुछ सर्कुलर आता है या कुछ अफवाह पसरता है तो उसके बारे में इंक्वायरी करके हमने वो केस दर्ज किया है। उसमें राजाराम बरकड़े का FIR दाखिल किया है और उसका इंक्वायरी चालू है। उस केस के इन्वेस्टिगेशन अंदर रंजू झा जो मैडम है उस जो जिन्होंने ये जो ऑडियो क्लिप बनाई जो वायरल की, उनको हमने अरेस्ट किया है। उनको अभी आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, उनको कोर्ट ने जमानत दे दी है। आगे भी केस चालू रहेगा, केस का इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा, उसमें जो कुछ आगे इनके इन्वेस्टिगेशन जो सामने आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा। मगर वहीं पुलिस ने जिस महिला पर आरोप लगाया है रंजू झा, उस महिला का कहना है कि ऑडियो में उसकी आवाज़ नहीं है, किसी और की है। वो ऑडियो क्लिप के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि ना मैंने कहीं पे गीता जैन का उस ऑडियो में नाम लिया है, ना किसी ने भी नहीं नाम लिया है। पुलिस उस पे कार्यवाही करे जिन्होंने उनका नाम फोटो चिपकाया है और टैगिंग की गई है। वो ऑडियो किसी का भी हो सकता है, नॉट इवन मेरा। पुलिस का काम है उस पे कार्यवाही करना। आई एम सपोर्टिंग विद देम, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे जिन जिन लोगों ने भेजा है मैंने उनके भी नाम लिस्ट दिए हैं। बिकॉज ऑफ इन हंड्रेड्स अगर हम किसी को भेजते हैं वो 2 को जाता है, 4 को जाता है, 6 को जाता है। तो पुलिस का काम है उसकी इंक्वायरी करना। मैं पुलिस को भी सपोर्ट कर रही हूँ और आमदार मैडम को भी सपोर्ट कर रही हूँ जिन्होंने उनकी छवि ख़राब करने की कोशिश की है। बिकॉज उस ऑडियो में कहीं भी उनका नाम नहीं है, तो लोगों को खुद समझना चाहिए जब उन्होंने अपना नाम नहीं लिया है तो क्यों उनका फ़ोटो और क्यों उनका नाम भेजा जा रहा है। जो वो फोटो और टैगिंग कर रहे हैं वो असली में उसके जिम्मेदार हैं उनके भ्रम फैलाने के लिए। वही विधायक गीता जैन को इस ऑडियो के वायरल होने के बाद काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। गीता जैन ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, सुनिए। अब मेरे फोटो के साथ उसको पेस्ट करके उसमें चलाया जा रहा है तो लोगों को गूगल से उस मेरे नंबर मिल रहे हैं और मेरे को इतना तंग किया जा रहा है फोनों के माध्यम से कि मैं आपको बता नहीं सकती। पुलिस के ऑफ़ कोर्स मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि उन्होंने जिसने ये आवाज़ में बोला उसको पकड़ा ज़रूर है, उस पर FIR किया है और उसको आज कोर्ट में पेश किया है। तो मैं पुलिस की इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि उन्होंने एक जन को पकड़ा, उनको कोर्ट में पेश किया, गिरफ्तारी की और बेल पे वो छूट गई। भाई अवेलेबल था, मैं उसमें कोई ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसने पर्टिकुलरली, अगर उनका ये दावा है कि मैंने नीचे नाम नहीं डाला था, ये फ़ोटो में मैंने पेस्ट नहीं किया, तो किसी ने तो किया, तो वो कौन है ये पुलिस बता ही नहीं रही है। बहरहाल वायरल ऑडियो पर पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, एक महिला से पूछताछ भी जारी है और पुलिस इस पूरे मामले में बड़ी ही तत्परता से जांच कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।